स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे जब हमारे पास इक्वेशन किस में हो, वन वेरिएबल में, मतलब एक वेरिएबल हो। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि वन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है उसको छोड़ो, पहले इक्वेशन बताते हैं। इक्वेशन क्या होती है, कोई भी पॉलिनोमियल, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर वो इक्वेट टू जीरो हो, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेट टू जीरो हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो तो उसे क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। अब क्या है, यहां पे डेफिनेशन दी हुई है, कहते हैं ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज। कहते हैं स्टेटमेंट में क्या होगा, इक्वालिटी होगी हमारे पास, क्या होगी, इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज, एक या एक से ज्यादा अननोन क्वांटिटीज होगी जो वेरिएबल होंगे उसे क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, 2x + 3 = 0, राइट, दैट इज इक्वेशन। जान ले लो हम एक्स, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम लीनियर बोलते हैं। ओके, यहां पे क्या है, कहता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें इक्वेशन में क्या होगा, सिर्फ एक लीनियर पॉलिनोमियल होगी, मीन्स जे वाली होगी सिर्फ, हमारे पास क्या होगा, लीनियर क्या होगा, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन, जैसे ये ले रहा हूं मैं 2x + 1 + 3 = 0, जब इक्वल टू जीरो होगी तो क्या होगी, वो इक्वेशन बन जाएगी उस, जब ये हमारे पास इक्वेशन जो होगी इसमें क्या होगा, सब कहता है इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होगा उसमें, लीनियर पॉलिनोमियल होगी, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। क्या बोले हम, लीनियर इक्वेशन। अब क्या दिया हमें, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे निकालते, कहता है ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल इन एन इक्वेशन मेक्स एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। मींस कहता है कि अगर हमारे पास जो भी वैल्यू करने से जो वैल्यू मिलती है एक्स की वैल्यू मिलती है, जो भी वैल्यू हमें जो मिली होगी हमने उसको क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देना है, पुट करने के बाद हमारा जो एलएचएस और आरएचएस इक्वल आया तो उसका मतलब क्या हो गया, वो सॉल्यूशन है, उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। जहां क्या बोलेंगे हम, रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या बोलेंगे, जहां क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे हमें एग्जांपल दी हुई है, कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7, हमें चीज दी हुई है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लिखेंगे वी हैव, जो भी गिवन हो उसको लिखना है सबसे पहले, सही है, हमें सॉल्यूशन में We have 2x - 3 = 7. Okay, मिस हमें क्या करना है यहाँ पे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब होगा कि x निकालना है हमें, क्या करना है, x, x क्या आएगा हमारे पास, किस तरह से निकालेंगे, देखो 2x है और साथ में क्या है, साथ माइनस थ्री और कुछ है नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी में, यहाँ पे माइनस थ्री है तो क्या करेंगे हम, एडिंग बोथ साइड 3 कामा वीकेंड, हमें क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, 3 को ऐड करना है, जब हम 3 को ऐड करेंगे हम 2x - 3 + 3 और ये क्या आ जाएगा 7 + 3, क्लियर। तो ये क्या आएगा, जे 3 और जे 3 कट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, 2x = 7 + 3 कितना आता है, 10। अब क्या करना है हमें, मीन इसके पान में चला जाएगा, यहां से लिखिएगा Dividing both side by 2, comma we get 2 से divide करना है, तो क्या आ जाएगा 2x / 2, ये आएगा 10/2, 2 कट गया, x इज टू क्या आ गया 5, ओके, x इज टू क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, कहता है सॉल्व 2y + 9 = 4, जब फाइंड द सॉल्यूशन 2y + 9 = 4, तो इसका सॉल्यूशन निकालना हमें, कैसे करेंगे हम, सेम यही, वी हैव 2y + 9 = 4, ओके,
हम इसको ऐड करें जब स्प्रेड करें, बट हम ऐसा कर सकते हैं जैसे ये दिया हुआ है, मैं लिख रहा हूं 2/9, जैसे ये 9 है ना, 9 ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट साइड है, जब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 4-9, मतलब जब हम इसको इस तरफ ले गए तो जो साइन यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स जब भी हमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाना हो तो साइन चेंज होता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। जैसे ये +9 है तो हमने -9 लिख दिया, यहाँ पे क्या आ गया 2/, विच इम्प्लाइज 2/ इक्वल टू क्या आएगा, 4 में से 9 माइनस किए -5, क्लियर। y इक्वल टू क्या आ जाएगा -5, जे 2 इसके अपान में आ जाएगा, ओके जे हमारे पास बन गया, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या देते हैं हम आपको, सॉल्व x/3 + 5/2 = -3/2, ओके जी हमारे पास। अब क्या करेंगे हम इसको किस तरह से बनाएंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन, वी हैव ये देखा, अब जैसे ये दिया 5/2 है ना कॉन्स्टेंट, पहले क्या विच इंप्लाइज x/3 रखा, जो ये 5/2 है इसको राइट साइड ले जाएंगे, ये क्या दिया हमें प्लस है, जब इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा माइनस, तो ये आएगा -3/2 और ये आएगा -5/2, ओके। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, जहां पे भी 2 है यहां पे भी 2, तो क्या आ जाएगा विच इंप्लाइज x/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब यहां पर अब जी 2 एलसीएम आ गया, जो सेम है ऊपर वाले टर्म को वैसे ही देते हैं -3 - 5 विच इंप्लाइज x/3 -8/2, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा x/3 = -4, क्लियर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जाएगा x = -4 × 3 विच इंप्लाइज x = -12, ओके। अब चेक करना है कि हमारा ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है, ओके। इसको किस तरह से करेंगे हम, नाउ आपने इस तरह से लेंगे हम, नाउ पुडिंग ये चेक कर रहे हैं हम x = -12 इन द गिवन इक्वेशन, ओके कॉमा वी गेट, क्या लेते हैं हम LHS लेते हैं, LHS में उठे रहेंगे तो ये क्या आएगा x ये आप क्या लेंगे -12, जो है -12/3 + 5/2, ओके। तो ये क्या आ जाएगा जब ये ले रहे हैं, अब यहां पे ये कट जाता है 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12 कट जाता है, ये क्या आ जाएगा -4 + 5/2, ओके। अब क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, यहां पे क्या है 1 है, 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8 और 1 × 5 = 5, 8 में से 5 निकाले कितने आ गए -3/2, देखो -3/2 = RHS, मतलब LHS = RHS, जब LHS और RHS इक्वल आ जाएं इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट है, ओके ये आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और हम, अभी लेता हूं मैं एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 क्या दिया हमें 0.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर क्या ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन,
वी हैव, जैसे क्या दिया हमें, एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन, एक्स माइनस टू इक्वल टू सेवन, तो क्या करेंगे हम, एक्स माइनस टू सेवन है तो ये क्या करेंगे हम, जैसे माइनस टू है जहां इसमें ऐड करो जहां उसको लेफ्ट साइड ले जाओ और सर राइट साइड ले जाओ, तो क्या आएगा, हम जहां भी जाते राइट साइड ले जाते, विच इम्प्लाइज एक्स जब जो माइनस टू है तो इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस टू, सेवन प्लस टू, इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इलेवन, ओके इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। जे जे सेम ऐसे करने हैं, जे वाला सेम मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर एट, ओके क्वेश्चन नंबर एट, नंबर एट में क्या दिया हमें, वी हैव 1.6 इक्वल टू वाई अपन 1.5, क्लियर, पॉइंट है तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1.6 इंटू 1.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई, अब यहां पे पॉइंट है तो क्या करेंगे हम, पॉइंट को रिमूव करेंगे, नहीं तो इसको हम ऐसे कट भी कर सकते हैं, जब जे हमारे पास आ गया 16 अपॉन 10 इंटू 15 अपॉन 10, क्लियर, जे हमारे पास है इक्वल टू वाई। अब यहां पे जैसे ये हमारे पास है, हम यहां पे पॉइंट को उठाया, पॉइंट का वन आगे कितने डिजिट हो, कितने जीरो, एक डिजिट है एक जीरो, एक डिजिट है एक जीरो, अब यहां पे कर सकते हैं 5 2 या 10 और 5 3 15, जे जे हमारे पास आ गया, ठीक है क्या बच गया, 2 बच गया, यहां पे लिखेंगे हम इसको 16 अपॉन 10 इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू वाई, जे 2 वन जा 2 2 एट जा 16, इट मीन्स क्या बन गया हमारे पास, जाएगा विच इंप्लाइज वाई इक्वल्स टू जाएगा 8 इंटू 3 अपॉन 10, वाई इक्वल्स टू 24 अपॉन 10, और 10 के साथ इसको डिवाइड कर दो तो कितना आता है हमारे पास 2.4, ये हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके जी हमारे पास है। इसी तरह से मैं 12th पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 12th क्या दिया है सॉल्यूशन में, वी हैव हमें x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15, क्लियर, ये दिया हुआ है, विच इंप्लाइज x अपॉन 3, इस 1 को अगर इस तरफ ले जाएं तो क्या बन जाएगा, 7 अपॉन 15 माइनस 1 प्लस 1 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा, जाएगा x अपॉन 3 7 माइनस एलसीएम लिया 15 अपॉन 15, मतलब यहाँ पे क्या 1 है, 51 है 15 और 15 की इधर मल्टीप्लिकेशन हो गई, 1 की इधर मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये हमारे पास बच गया, और यहाँ पे क्या आ गया, व्हिच इंप्लाइज x अपॉन 3 7 में से 15 माइनस किए 8 माइनस 8 क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है तो माइनस आएगा माइनस 8 अपॉन 15, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिर्फ 3 की, क्या आएगा, व्हिच इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 8 अपॉन 5, 15, ओके जे कर जाता है 3 बन जाए 3 3 5 या 15 जाए x इज टू माइनस 8 अपॉन 5 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके इस तरह से हम इसको बनाते हैं। जे कुछ जो क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन बच गए हैं जे ट्राई योर सेल्फ, ओके थैंक यू।